इसराइल की धरती पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसे ही कदम रखा, हमास की सांसें थम गईं, हिजबुल्ला की बोलती बंद हो गई और ईरान की अकड़ ढीली पड़ गई। जो बाइडेन जब तक इसराइल में रहे तब तक हमास हाथ बांधे बैठा रहा, हिजबुल्ला हमले की हिमाकत करने की जरूरत नहीं कर पाया और ईरान भड़काऊ बयानबाजी के लिए जुबान नहीं खोल पाया। लेकिन बाइडेन का प्लेन जैसे ही इसराइल की आसमानी सरहदों को लांघकर वॉशिंगटन की ओर बढ़ा, वैसे ही इसराइल और गाजा पट्टी में धमाकों की गूंज शुरू हो गई और लेबनान से ईरान तक धमकियों की बौछार होने लगी। बाइडेन के दौरे से फिलिस्तीन भी उतना नहीं तिलमिलाया जितना ईरान बौखलाया, और इसी बौखलाहट में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गाजा के अस्पताल पर हमले को इजरायली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत बता दिया। हर कतरे खून फिलिस्तीनी के बर जमीन रिखते मी शवत, एक गाम रजीम सहयूनिस्ती वे सुकूत नजदीकतर मी शवत। इसराइल के बाद इब्राहिम रईसी का अगला हमला सीधे जो बाइडेन पर हुआ। तेहरान में फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए रईसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसराइल के अपराधों में भागीदार होने का भी आरोप लगा दिया। रजीम सहयूनिस्ती रो मुसल्लह मिकुनीद, बम हाई के बर सर मर्दम कज़मी रिजत माल शुमास्त, मर्दम दुनिया शुमा रो शरीक जनायत हाय रजीम सहयूनिस्ती मिदानंद। दरअसल हमास और इसराइल के बीच युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में तैनात कर दिए। इसके साथ ही अमेरिका ने जंग के 24 घंटों के भीतर खतरनाक हथियारों की पहली खेप भी इसराइल पर पहुंचा दी। इसके बाद इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका के इस कदम से ईरान बौखला उठा और इसराइल के साथ युद्ध की सीधी धमकी देने लगा। अपनी बौखलाहट में ईरान ने खुलकर ये भी मान लिया कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के खिलाफ जिस अलक्सा स्ट्रॉम ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो पहली बार इसराइल की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को नाकाम करने में कामयाब रहा। तूफान अलक्सा व इरादे मुजाहिदान फिलिस्तीनी शिकस्ती इत्तलाआती शिकस्ती अमनियती व शिकस्ती निजामी बर रजीम सहयूनिस्ती वारद कर्द। ईरान वो मुल्क है जिसने हमास के हमलों में मारे गए 1400 इजरायली नागरिकों के लिए एक आंसू नहीं बहाए, सांत्वना के एक शब्द नहीं कहे और मानवता का एक कर्तव्य नहीं निभाया। ऐसा ईरान गाजा के अस्पताल में हुए हमले में मारे गए 500 लोगों की मौत पर विलाप कर रहा है, मातम मना रहा है और अमेरिका को बद्दुआएं दे रहा है।